नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपनी एकता ते प्रभुसत्ता की राखी लई तैयार बर तैयार है अते भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करन दे समर्थ है। रक्षा मंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर विच कौमी शाहराह 925 ते गंधव पाकासर सैक्शन से एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले होने वाली पहली 2+2 मंत्री पदरी वार्ता की भारत मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती अतवाद लई वर्तन जां शह देण की गल विश्व के किसी भी देश नूं मंजूर नहीं होगी। भारतीय चोण कमिशन ने 6 सूबों में 7 राज्यसभा सीटों से 4 अक्टूबर को जिमनी चोण कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल माध्यम राही नौजवानों पर आधारित कई प्रोजेक्टों के नींव पत्थर रखे ते 7वें सूबा पदरी रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सनअती सैक्टर दी लोड़ां अनुसार रोजगार हासिल करने लई तकनोलॉजी की सिखलाई की लोड़ पर जोर दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों नूं नौकरियां लई तैयार करन लई उन्हां दी सरकार वल्लों मुफ्त हुनर सिखलाई ते जोर दिता जा रहा है। ते अक्टूबर नवंबर विच संयुक्त अरब अमीरात अते ओमान विच होण वाले T20 विश्व कप लई भारतीय टीम दा ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपनी एकता अते प्रभुसत्ता की राखी लई तैयार बर तैयार है अते भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करन दे समर्थ है। उन्होंने कहा कि देश नूं अपनियां हथियारबंद फौजां ते पूरा विश्वास है। वह अज राजस्थान के बाड़मेर विच कौमी शाहराह 925 ते गंधव पाकासर सैक्शन ते एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन समय बोल रहे सन। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड सिर्फ भारतवासियों में जोश ही नहीं भरती सगों इस नाल सुरक्षा की भावना पैदा होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अजिहियां एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स युद्ध समय तो इलावा करोपियां समय भी महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां ने। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजां ने कोविड संकट समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि साडियां फौजां की संचालन समर्था को वधाने लई लगातार यतन किए जा रहे ने। आज देश आजादी का या अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं समागम नूं संबोधन करदिया सड़क अते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन के पल नूं इतिहासिक दस्या। उन्होंने कहा कि अजिहे लैंडिंग फील्ड देश के होर सूबों दियां 20 वख-वख थावां ते भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हां विचों 5 लैंडिंग फील्ड असाम विच बन रहे हैं। उन्होंने दस्या कि सरकार दिन विच 38 किलोमीटर सड़कां दी उसारी करवा रही है जो विश्व विच सब तो ज़्यादा है। नितिन गडकरी ने अगे दस्या कि कई सड़की प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय विच मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली ते जयपुर विचाले इलैक्ट्रिक हाईवे की उसारी दे यतन किए जा रहे हैं। एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग ये वेस्ट मटेरियल है, तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं। नितिन गडकरी ते राजनाथ सिंह ने एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ते हवाई जहाजों के संचालन नूं भी देखा।
सुखोई 30 जगुआर समेत होर लड़ाकू जहाज से होर हवाई जहाज लैंडिंग फील्ड से उतरे। अज के इस समागम विच जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अते चीफ आफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया भी मौजूद सन। भारत अते आस्ट्रेलिया विचाले होने वाली पहली 2+2 मंत्री पदरी वार्ता की भारत मेजबानी करेगा। इस वार्ता विच हिस्सा लैण लई आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पाइने अते रक्षा मंत्री पीटर डटिन 10-12 सितंबर विचाले भारत की यात्रा ते आउणगे। जिक्र योग्य कि भारत वल्लों इस वार्ता विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर वफद की अगवाई करनगे, जिस विच रक्षा ते विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होणगे। विदेश मंत्रालय अनुसार 2+2 वार्ता पिछले साल 4 जून नूं भारत अते आस्ट्रेलिया के नेतावां के वर्चुअल शिखर सम्मेलन दौरान दोवें धिरां के दुवल्ले संबंधां नूं व्यापक रणनीतिक भाईवाली विच बदलन की सांझी सोच ते आधारित है। इस वार्ता के एजेंडे विच आपसी हित के खेतरी ते विश्व मुद्दों तो इलावा दुवल्ले संबंधां की एक कड़ी शामिल होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती नूं किसी भी ढंग नाल अतवाद नूं वरतन लई शह देण दी गल किसी भी देश नूं मंजूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हकूमत नूं इस संबंध में उस वलों किए गए ऐलान नामियां ते अमल करना होगा। जयशंकर ने यह गल अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ते जर्मन के विदेश मंत्री हीको मास नाल सांझे तौर पर करवाई गई अफगानिस्तान ते कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदियां कही। उन्होंने कहा कि काबुल की यात्रा बहाल करनी एक तरजीह है। उन्होंने कहा कि दुनिया नूं विदेशी शासकां दे दखल ते ध्यान नहीं देना चाहिए, विशेष तौर पर जदों ओ इस औखी कड़ी विच हिंसा नूं वधा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 राही दिते गए दिशा निर्देश का समूहिक दृष्टिकोण नाल पालन कीता जाना चाहिए। भारतीय चोण कमिशन ने 6 सूबियां ते 7 राज्यसभा सीटां ते 4 अक्तूबर नूं जिमनी चोण कराउण दा ऐलान कीता है। इन्हां चोणां लई नोटिफिकेशन 15 सितंबर नूं जारी कीती जाएगी। नामजदगी कागज़ दाखिल करन दी अंतम तरीक 22 सितंबर होगी। पछम बंगाल तो मानस रंजन पुनिया, असाम तो बिस्वजीत दयमारी, जबकि तमिलनाडु तो केपी मनुसामी ते आर वैथिलिंगम ने अपनियां राज्यसभा सीटां तो अस्तीफे दे दिते सन। महाराष्ट्र तो एक सीट राजीव सातव दी मौत कारण खाली हुई सी। इसे तरह थावरचंद गहलोत वलों अस्तीफा देण ते कर्नाटक दे राज्यपाल बनन मगरों मध्य प्रदेश तो उन्हां दी सीट खाली हुई सी। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विच भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की मुहिम विच 71 करोड़ तो वध टीके लगाउण दा अंकड़ा पार कर लिया है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दस्सिया कि हुण तक देश अंदर 71,65,97,428 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि बीते एक दिन 86,51,701 तो वध टीका खुराकां दित्तियां गईआं। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 तो देश की बहुत ज़्यादा कमजोर आबादी वाले लोगों नूं बचाउण दा एक वड्डा साधन है ते टीकाकरण की इस मुहिम की नियमित तौर पर समीक्षा ते निगरानी की जाती है। सेहत मंत्रालय अनुसार कोरोना तो ठीक होने की दर 97.48% हो गई है ते बीते दिन 40,567 मरीज सेहतयाब होकर घरां नूं परते। मंत्रालय अनुसार इस वेले देश विच कुल 3,93,614 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का सिर्फ 1.19% बनता है। मंत्रालय ने दसाया कि हुण तक 3,23,04,618 मरीजों ठीक होने तो बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने दसाया कि बीते 24 घंटे दौरान 338 लोगों की कोरोना नाल मौत हुई है ते देश विच हुण तक 4,41,749 लोगों की कोरोना नाल मौत हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज वर्चुअल माध्यम राही नौजवानों ते आधारित कई प्रोजैक्टों का नींह पत्थर रख्या ते 7वें सूबा पदरी रोजगार मेले का उद्घाटन किया। नौजवानों लई प्रोजैक्टों विच तरन तारण जिले के आसल उत्तर विच सी पाइट केंद्र के एक स्थाई कैंप का नींह पत्थर रखना भी शामिल सी। ए सेंटर 1965 की भारत पाकिस्तान जंग विच शहीद होए हौलदार अब्दुल हमीद की यादगार नेड़े स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र की स्थापना का मुख उद्देश सूबे के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों नूं सेना ते नीम फौजी बलों में भर्ती तो पहला सिखलाई देना ते वख-वख कित्यां विच हुनर नूं वधाउण लई तकनीकी सिक्ख्या मुहैया कराना है। असल उत्तर पिंड की पंचायत ने इस संस्था लई 8 एकड़ 7 कनाल जमीन सरकार नूं दित्ती है। इस तों इलावा मुख्यमंत्री वल्लों निर्माण मजदूरों ते उन्हां दे बच्चों लई 2021-22 लई मेरा काम मेरा माण योजना की शुरुआत की गई। इस योजना अधीन PSGM तहत केंद्रां विच सिखलाई दित्ती जाएगी ते 1 साल की सिखलाई दौरान 2,500 रुपये महीना के हिसाब नाल रुजगार सहायता पत्ता दिता जाएगा। अज दे समागम दौरान अपने संबोधन विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सनअती सैक्टर दीआं लोड़ां अनुसार रुजगार हासिल करन लई तकनोलॉजी की सिखलाई की लोड़ ते जोर दिता।
उन्होंने कहा कि नौजवानों नौकरियों तैयार करने उन्होंने सरकार वालों मुफ्त हुनर सिखलाई पर जोर दिता जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दसिया कि होशियारपुर के बजवाड़ा विखे 26,96,00,000 रुपए की लागत नाल हथियारबंद फौजां लई नौजवानों तैयार करने लई इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है ता जो नौजवानों CDSE ते AFCET प्रीख्यावां लई तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अगे दसिया कि रुजगार सिरजना हुनर विकास ते सिखलाई विभाग वालों पिछले 4 सालों दौरान औसतन 1200 उम्मीदवारों रोज़ाना नौकरियों के मौके तलाशन में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग वालों एक जॉब हैल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है जिथों नौजवानों सरकारी जां प्राइवेट अदारों में रुजगार के मौके कैरियर काउंसलिंग स्वरोजगार स्कीम विदेशों में पढ़ाई या नौकरियों बारे काउंसलिंग हुनर विकास ट्रेनिंग समेत हर तरह की जानकारी दी जाती है। अक्तूबर नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले T20 विश्व कप लई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। T20 विश्व कप लई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 15 मैंबरी टीम का ऐलान किया। इस तो इलावा सट लगन ज होर किसी हंगामी स्थिति नजिठण राखवें खिडारी भी चुने गए हैं। सब तो खास गल यह है कि भारतीय टीम नाल साबका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे जो टीम के मैंटर की भूमिका में होंगे। भावें T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के ओमान में हो रहा है पर इसका मेज़बान भारत ही है क्योंकि मेज़बानी के सारे अधिकारी BCCI को ने। असल विच ए ICC टूरनामेंट पहला भारत विच ही होना सी पर करोना कारण इस नू UAE ते ओमान विच करवाया जा रहा है। T20 विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर तो होगी ते फाइनल मुकाबला 14 नवंबर नू खेडिया जाएगा। सारे मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम आबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम शारजा स्टेडियम ते ओमान क्रिकेट ग्राउंड विच आयोजित किए जाएंगे। भारतीय टीम नू T20 विश्व कप विच ग्रुप 2 विच रख्या गया है। इस ग्रुप विच उस नाल पाकिस्तान न्यूजीलैंड ते अफगानिस्तान दीआं टीमां ने जदके 2 टीमां क्वालीफाइंग राउंड विच ग्रुप नाल जुड़नगियां। इस टूरनामेंट विच भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर नू पाकिस्तान नाल होवेगा। इस तो बाद 31 अक्टूबर नू न्यूजीलैंड 3 नवंबर नू अफगानिस्तान ते 5 ते 8 नवंबर नू क्वालीफाई राउंड चों आउण वालीआं टीमां नाल भारत का मुकाबला होगा। विश्व T20 टूरनामेंट लई कप्तान विराट कोहली तो इलावा होरना खिडारियों विच रोहित शर्मा KL राहुल सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत ईशान किशन हार्दिक पांड्या रविंदर जडेजा जसप्रीत बुमराह भुवनेश्वर कुमार मुहम्मद शमी आर अश्विन राहुल चाहर अक्षर पटेल ते वरुण चक्रवर्ती शामिल ने जबकि श्रेयस अय्यर शार्दुल ठाकुर ते दीपक चाहर नू रिजर्व खिडारियों की सूची विच रख्या गया है। US ओपन टैनिस मुकाबले विच विश्व दे नंबर 1 खिडारी नोवाक जोकोविच सैमीफाइनल विच पहुंच गए ने। उना बीती रात इटली दे मातियो बेरेटिनी नू 4 सैटां विच 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 नाल मात दित्ती। जोकोविच पहला ही आस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन ते इस सीजन दा विंबलडन टूरनामेंट जित चुके ने ते हुण ओ सीजन दा चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जितण तो सिर्फ 2 मैच पिछे ने। दूजे पासे ओलंपिक दे गोल्ड मैडल जेतू अलैगजेंडर जबरेव भी दक्षण अफ्रीका दे गैर सीनियरता प्राप्त लोइड हैरिस नू सीधे सैटां विच हरा के सैमीफाइनल विच प्रवेश कर गए ने। US ओपन दे महिलावां दे ग्रुप विच बरतानिया दी 18 साला सनसनी एमा राडुकेनू टोक्यो दी ओलंपिक चैंपियन स्विस बलेंडा बैंकिक नू 6-3, 6-4 नाल हरा के सैमीफाइनल विच पहुंची। सैमीफाइनल विच हुण विश्व दी 195वें नंबर दी खिडारी 17वीं सीनियरता प्राप्त ग्रीक दी मारिया सकारी नाल सैमीफाइनल विच भिड़ेगी। सकारी ने क्वार्टर फाइनल विच कारोलीना लिस्कोवा नू 6-4, 6-4 नाल हराया। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपनी एकता ते प्रभुसत्ता की राखी लई तैयार वर तैयार है ते भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करन दे समर्थ है। रक्षा मंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर विच कौमी शाहराह 925 ते गंधव पाकासर सैक्शन ते एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले होने वाली पहली 2+2 मंत्री पदरी वार्ता की भारत मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती नूं अतवाद लई वर्तन जां शह देण दी गल विश्व दे किसे भी देश नूं मंजूर नहीं होवेगी। भारतीय चोण कमिशन ने 6 सूबियां विच 7 राज्यसभा सीटां ते 4 अक्टूबर नूं ज़िमनी चोण कराउण दा ऐलान कीता।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल माध्यम राही नौजवानों पर आधारित कई प्रोजेक्टों ने नींह पत्थर रखे थे। सत्तवें सूबा पदरी रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सनअती सैक्टर दी लोड़ां अनुसार रोजगार हासिल करने लई तकनोलॉजी की सिखलाई की लोड़ पर जोर दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों नौकरियों लई तैयार करने लई उन्हां दी सरकार वल्लों मुफ्त हुनर सिखलाई पर जोर दिता जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप लई भारतीय टीम का ऐलान। इस खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आगे दिओ नमस्कार।